वैकेंसी ये हुई कि जैसे ही मैंने www.google.com लिखा तो मेरी पहली रिक्वेस्ट गई ISP के DNS पे। ISP की DNS ने कहा कि मेरे पास ये नहीं है, मैं आपको रूट DNS पे भेजता हूँ। रूट DNS कहता है google.com मेरे पास नहीं, मैं आपको .com पे भेजता हूँ। मतलब आज तक मेरी DNS क्लाइंट की रिक्वेस्ट मुख्तलिफ लोकेशन से होती हुई फाइनल फोन देगी, लेकिन आइडेंटिटी में ये है कि वो सर्वर खुद ही मैनेज कर रहे होते हैं। आइडेंटिटी में बिल्कुल वो तब तक आपको वापस नहीं मिलता, पास दस तक उसे पेज नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है, अगर उसे पेज ना मिले तो एक आपको मैसेज जरूर आता है, पेज नॉट फाउंड। पेज नॉट फाउंड अक्सर मैसेज आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, पेज नॉट फाउंड को एरर जरूर देगा। अगर उसे पेज मिल गया तो आपको पेज वो भी मिल जाएगा, तो सारे आपको मिली सेकंड्स के अंदर होगी। इसी कॉन्फ़िगरेशन हम खुद कर सकते हैं कि आइटरेटिव रखो या रिकर्सिव करो। नहीं, ये हम खुद ही करते हैं। अब यही कह रहे हो इसलिए उसे नहीं कह सकते, ये मैथड उन्होंने क्रिएट किया हुआ है कि मैथड आपका जो क्लाइंट और सर्वर मैथड है वो तरह से फॉर्म करता है। अब जब DNS जो ISP का DNS है, ISP का DNS और रूट लेवल जो रूट सर्वर होता है, जब इनकी आपस में कम्युनिकेशन हो रही है ये आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है, क्योंकि दो सर्वर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, जब रूट लेवल सर्वर रिक्वेस्ट आपको मुझे आप उससे पूछने जाते हैं मुझे जो है गूगल का बताओ, वो कहता है तुम मेरे पास आए हो डॉट को लेकर, डॉट इट मीन रूट लेवल, मेरे पास रूट लेवल की इन्फॉर्मेशन है। हाँ, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन जरूर है फॉर नाउ, मेरे पास फॉर्म की है। अब फॉर्म में अगर क्वेश्चन कहते हैं सर फॉर्म फॉर्म में क्या है, फॉर्म टॉप लेवल में सर फॉर्म ही है, उसमें को है .pk UK जो education.com.uk ये सारे आपके टॉप लेवल आई एस पी के अंदर। ठीक है, तो उसमें जब वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है आस्क वो कहता है फॉर्म की तरफ, ठीक है, उससे ये इन्फॉर्मेशन है कि इसकी इसका जो एड्रेस जिसका अंदर लिखा हुआ है मैंने से काम फॉरवर्ड हो जाए। ठीक है, उसके पास उसकी इन्फॉर्मेशन है ओनली। ठीक है, वो रिक्वेस्ट आपके काम में फॉरवर्ड करता है, वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है फॉर्म के लिए। अब वो भी आपस में कम्युनिकेशन जिससे हो रही है सर्वर टू सर्वर। ठीक है, अब जो फॉर्म की तरफ रिक्वेस्ट जाती है तो फॉर्म से पूछता है गूगल, वो कहते हैं मुझे नहीं पता गूगल की वेबसाइट कहाँ पे, हाँ लेकिन मुझे गूगल का DNS सर्वर डाउनलोड करना। सर, इस आइडेंटिटी का फिर ये फायदा हो जाता है कि